नमस्कार दर्शकों कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आज हम कृषि के उन तकनीकों के बारे में बातचीत करेंगे जिससे हमारे किसान भाई अपनी आय को आगे बढ़ा सकेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है कैरी के प्रधान वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान के प्रभारी डॉक्टर एस के जमीर अहमद डॉक्टर जमीर आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों हम आपको बता दें कि यह हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं फोन नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं तो डॉक्टर जमी सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारे किसान भाई है वो खेती की जो जरिए अपनी आय को किस तरह से दोगुनी कर सकते हैं जी जी और इस स्टूडियो के जरिए मैं अपने किसान साथियों से के संपर्क में आज आ जा रहा हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि कैसे वो अपने आय को सिर्फ आमदनी नहीं है जी। अपना सोशल स्टेटस को भी किस तरह से वो ऊपर कर सकते हैं सिर्फ आय खाली दुगनी नहीं होती है बहुत बहुत कुछ इसमें दुगना हो जाता है कोई भी चीज़ की बढ़ोतरी आपको मालूम होगा जैसा कि हमारा जो आइलैंड है जो ये द्वीप समूह है ये बहुत रिच है आबो हवा में लेके बिल्कुल और आप जब देखेंगे तो हमारे यहाँ पर पहाड़ी जमीन भी है जी। वैली भी है नौ तरह की जमीन है तो पहाड़ी में आप ज्यादातर ये देखते होंगे कि वहां पर या तो सुपाड़ी या तो नारियल ये दो पौध आपको बराबर दिखेंगे आपको और वो भी सोलो मतलब सिर्फ अकेला या तो सुपाड़ी या तो नारियल तो आप इसको इसमें जो खाली जो स्पेस है ना जी। तो स्पेस का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसमें लेकिन किसान खुश है कि उसको सुपाड़ी इसके पास है एक एकड़ या एक हेक्टर है जिससे वो साल में एक बार अच्छा खासा कमा लेता है बिना ज्यादा मेहनत किए हुए जी, जी. और मेहनत करता भी ऐसा उसका करता है उसी तरह नारियल में भी सेम मतलब हाँ। मतलब है आपका मतलब कि और उनको और, होना हाँ, जी, जी. और दुगनी आगे तो, तो उसमें क्या अगर मान लीजिए अभी जहां पर एक क्रॉप खड़ा है जी, अगर उस क्रॉप के साथ में दूसरा क्रॉप को आप इंट्रोकॉप कर देंगे ना उसको जी, जैसे कि मान लीजिए आपको नारियल का पेड़ है नारियल के साथ में आप कोई और फ्रूट क्रॉप डाल दिए उसमें जैसे कि जैसा स्लोप होता है अभी सेवेंटी स्लोप है तो ऊपर में आप फ्रूट क्रॉप डाल देंगे कुछ स्पाइसेस क्रॉप डाल सके आपका लॉन्ग हो गया है आपका बे लीफ दालचीनी वगैरह होता है ये सब भी आप डाल सकते हैं और जो नीचे का जो ले, जो फ्लोर है ना उसमें आप पाइन एप्पल का सकस वगैरह डाल सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे पहाड़ होगा और नीचे एक छोटा सा उनके हाँ, पास हाँ, पौंड हाँ। भी होगा जिसमें हम मछली भी पालन करेंगे तो हम कहते हैं कि इस जगह के लिए और इस आइलैंड के लिए सबसे बेस्ट जो फार्मिंग का तकनीक है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अगर करेंगे तो उसमें क्या है रिस्क मैनेजमेंट भी होता है मान लीजिए एक फसल से आपको कोई आमदनी नहीं मिलती है तो दूसरा फसल आपको उसका आमदनी दे, दे देता है जी। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ सुपाड़ी बेस के लिए सुपाड़ी का बगीचा उसके पास में है पहाड़ों में उसके बीच में वो इंटीग्रेट कर दिया वो स्पाइसेस से मैंने कहा आपको पेपर से कर दिया इंटीग्रेट कर दिया करने के बाद में वो अब हम और नीचे का जो एरिया है वो फ्लोर में आपका पाइनएप्पल या इवन फ्लावर्स तो देखिए कितना क्रॉप में बोल रहा हूँ आपको जी। तो मैं कितना क्रॉप बता रहा हूँ एक क्रॉप था वहां पर हम आपको कम से कम चार क्रॉप का बोल दिए और नीचे जो उसके पास चारीचे पॉन्ड एरिया है पॉन्ड एरिया में वो मीठा पानी का मछली कर सकता है कतला रोहू मृगाल हुआ या तो फिर श्रिम झिंगा का पालन कर जी, सकता है वो तो उससे क्या होगा देखिए उसका आय कितना उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ता है जहाँ उसका प्रोडक्शन सौ प्रतिशत है तो तीन सौ प्रतिशत बढ़ जाता है उसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस तरह उसका आमदनी बढ़ता है जी. और रिस्क मैनेजमेंट मैंने कह रहा हूँ किसान का जो सबसे बड़ा चीज़ है क्या ना वो ना एग्रीकल्चर एक खुद ही गैम्बल है अब आप देख रहे हैं कि आप भी कम से कम आठ दस दिन से इतना बारिश हो रहा है कि मछुआरों को कहते हैं कि आप मत जाइए कहाँ पर मत जाइए मछली लेने के लिए नहीं। नहीं। तो अगर मछली लेने नहीं जाएंगे आप तो वो क्या खाएगा तो इसलिए उसके पास दूसरा ऑल्टरनेट होना चाहिए जी। तो वो अगर, अगर अपना खेती को या तो एग्जाम्पल बोल रहा कोई भी किसान को अपना खेती को वो अगर चार पाँच क्रॉप को लेके साइंटिफिक तरीके से उसको करेंगे उसको और एक स्मार्ट एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है मैंने कहा ना आपको स्मार्ट सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है गार्डना नहीं है उसका जो आ, आप शायद आ, हम लोग पहले बात कर रहे थे मार्केट के बारे में जी जी तो ये मार्केट तक का उसको एक लाइन बनना चाहिए उसका मार्केट तक का क्योंकि जो चीज़ का मार्केट में डिमांड है वो हिसाब से उसका उसको फसल लेना है वही हिसाब से उसको प्रोडक्शन करना है उसका ठीक से ग्रेडिंग करना है ताकि वो सही तरीका से मार्केट तक पहुँच जाए तो जिस जो अगर मार्केट तक लिंकेज नहीं होगा उसका तो किसान को कभी भी कभी भी उसको अच्छा आमदनी नहीं मिल सकता है तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि इंटरनेट फार्मिंग सिस्टम मतलब जिसमें एक क्रॉप का जगह और भी क्रॉप ले जाए जो उसमें कंपेटेबल है क्योंकि आपको स्पेस मैंने मे नो लैंड एरिया को इस्तेमाल होता है सनलाइट जो सन सं, जो सनलाइट है ना वो इफेक्टिवली है और उसके साथ साथ में उसका बाकी जो फील्ड का मैनेजमेंट होता है उसमें खरपतवार नहीं होता है खरपतवार की जगह में कोई और फसल होता है उसमें जी। तो ये रहा मैं आपको बता रहा हूँ हिली रीजन के बारे में जो ये जो पहाड़ी जमीन है ना उसके बारे में बता रहा हूँ अगर उस समतल जमीन में लेंगे समतल जमीन में जहाँ पर सिर्फ वो एक पैडी का क्रॉप करता है धान की फसल या तो पल्स कर लिया वो या तो वेजिटेबल कर लिया अगर उसमें वो मान लो मेड़ी नुमा मेड़ी और फरो बोलते हैं हम लोग ब्रॉडब्रैंड फरो सिस्टम जी जी जी। बोलते जी। हैं एक एक बार एक बार का उसका सिर्फ इन्वेस्टमेंट है सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है तो वो मेड़ी में अपना चॉइस के हिसाब से कोई भी सब्जी कर सकता है उसमें जैसे कि आप देखते हैं भिंडी का मार्केट यहाँ बहुत अच्छा है आप कोई भी सब्जी का नाम ले लीजिए आप देखिए मरसा भाजी ले लीजिए आप जो हमारे दस कहते हैं लाल मरसा जी, जी, हरा मरसा है हा? वो जस्ट आप हर दो महीने तीन महीने में आप उसको हाविस करिए मार्केट में ले जाइए पालक आपका है बहुत अच्छे से पालक आता है बहुत अच्छा हाई वैल्यू क्रॉप है वो और बहुत डिमांड है आप देखिए कोविड सिचुएशन में ऐसा ऐसा एग्रीकल्चर अगर देखेंगे आप तो एग्रीकल्चर एकदम स्मार्ट वे में डिलीवरी किया सबको जी जी चाहे आप फार्मिंग ले लीजिए या पोल्ट्री फार्मिंग ले लीजिए या मछली ले लीजिए हर चीज हर जगह पर आपको मिला और ये नहीं कि आप ये देखते हैं जब हम जाते हैं बेचने वाले बात करते हैं तो सिर्फ एक ही आदमी नहीं बेच रहा था हर एक किसान बेच रहा है उसको हर एक स्पॉट में बेच रहा है हर एक जगह में बिक रहा है और वो सब कुछ ले क्योंकि उसका मार्... उसको मालूम है कि इसका जो डिमांड है ये ब... इसका जो डिमांड है वो पूरा हो जाएगा और बहुत ही अश्योर्ड मार्केट है तो मार्केट को स्टडी करके ही वो अपना आपको को अपने इस चीज़ को लेकर कर रहा है तो मैं आपको बार बार इस बात को बताता हूँ और अपने किसान साथियों को भी बताता हूँ कि आप एक क्रॉप नहीं लेके लेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है उसको करना बहुत जरूरी है और उसी को अपनाना भी है आपको वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि मान लीजिए अभी ये सीजन जो है जी। अभी आपका सेप्टेम्पार हो गया है लेकिन इसका एक ब्रीडिंग सीजन आता है मई जून मछली का ब्रीडिंग ये सिर्फ बारिश के वजह में जो मानसून मे जून जुलाई होता है ना अब किसान साथियों बोलना चाहता हूँ आप लोग कोई भी स्टेक जो सुन रहा है जैसे कि हमारे मंथ में मंथ में जी जी जो आर आता है ना जैसे कि जनवरी फरवरी में देखिए आर आएगा ना तो उस वक्त ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए वो ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग का मौसम नहीं होता है आपका ब्रीडिंग जो है मई जून जुलाई अगस्त हाँ नहीं उस टाइम नहीं करना चाहिए ये ये पहचान है कि किस वक्त आप ब्रीडिंग उस टाइम आप करेंगे तो उसको उस तरह सिचुएशन उसको क्रिएट करना है आपको क्रिएट करना है तो हम बोलते हैं कि आप ब्रीडिंग अगर करेंगे सिर्फ तीन महीने का ही क्रॉप है हम्म हम्म अभी आ, फ्रेश वाटर जो मछली बोलते हैं ना कतला रोहू मिर्गाल हुआ या तो ग्रास का इसकी बहुत डिमांड है ओके। okay. इसकी चारा की बहुत डिमांड है डिपार्टमेंट फिशरीज अच्छा प्रयास कर रहा है कि चारा बना के किसानों तक पहुँचाता है फिर भी उनको ज्यादा नहीं मिलता है अभी आजकल जैसे कि कोई भी आपदा आ जाती है हुँ हुँ. तो मे से कुछ ही जाता नहीं है तो आपको सेल्फ सस्टेन खुद ही होना है खुद ही होना है तो तकनीक सीखने के लिए आपको कैरी है केवी के है डिपार्टमेंट है फिशरीज है और लाइन डिपार्टमेंट्स बाकी सब जो प्लांट्स के ऊपर में भी उन लोग ट्रेनिंग देते हैं जी जी और एनमे डिपार्टमेंट जो है वो आपके लाइफ स्टॉक के ऊपर में साथ में कैरी साथ मिलके या तो कैरी उनके साथ मिलके एक एसोसिएट होके हम लोग ट्रेनिंग वगैरह इम्पार्ट करते हैं उनको ताकि उनकी क्षमता बढ़ जाए स्किल नॉलेज नया नया मिल जाए उनको और ये सब करने के लिए यहाँ तक कि उनको मार्केटिंग तक का क्योंकि अभी ऐसा है कि हम लोग मार्केटिंग तक के लिए उनको जानकारी देते हैं जी। क्योंकि अगर मार्केटिंग कुछ चीज का है तो उसका प्रोडक्शन करने में कोई फायदा नहीं है जी जी कोई फायदा नहीं है नहीं। और तो मैं तो आपको मछली बता रहा था कि ये तीन महीना क्रॉप है और तीन महीना में ही आपको हाँ। कम से कम अगर वो अगर वो ठीक से करेगा जी, अगर जी, एक जी। आदमी करता है तो लाख रुपया दो लाख रुपया उसके लिए कहीं नहीं गया बिल्कुल जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कॉलर लाइन पे है बात कर लेते पहले हेलो 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 बोलिए जी नमस्ते कौन बोल रहे हैं मैं रंजीत सैन एडो ऐसी बोल रहा हूँ रंजीत जी क्या सवाल है आपका क्या पूछना चाहते हैं मेरा जो सवाल है आपको यहाँ जो मेलेन में जो ड्रैगन का खेती नहीं होता ड्रैगन फॉल का ड्रैगन फॉल जी जी ड्रैगन और जो माल्टा करके एक ऑरेंज का तरह एक तरह का माल्टा हाँ माल्टा जी वो खेती यहाँ होगा कि नहीं होगा वो बात हमको पूछना है एक तो आप माल्टा बोले दूसरा क्या बोले आप ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट तो यहाँ आराम से होगा और इसकी जानकारी के लिए देखिए हमारे कैरी जो है हमारा संस्थान जो बस्ती में है आ, आ, हम लोग ने बहुत अच्छे से इस रिसर्च ए, किया है और टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया है हम लोग ने ड्रैगन फ्रूट हमारे पास पिंक कलर भी है और ग्रीन कलर भी है और इसका कटिंग्स भी आपको मिल सकता है और आपको ट्रेनिंग भी मिल सकता है अगर आप आ, हमारे संस्थान में आप आएँगे आप देख भी सकते हैं कि क्रॉप कितना अच्छा से आता है और वो हमारे वैज्ञानिक ने मिल उसको एक साधारण लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उसके लिए क्योंकि शुरू में उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट होता है शुरू में आ, जो है ना आपको क्योंकि क्रॉप है उसको स्टैंड के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है लेकिन आगे चलकर ना कोई कोई बात बात उसमें नहीं।, नहीं तो आप 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 कभी भी आ जाइए एनी टाइम जाइएगा हाँ हाँ मिल जाएगा आपको जुर्म हमारे दो वैज्ञानिक है डॉक्टर अभिरामी है जिसने सैंड वो इस पर काम करती है

<laughs> माल्टा आज अभी मार्केट में आया कोविड का पीरियड में आपको माल्टा दिख रहा है यहाँ में नहीं तो यहाँ पर कभी ने? माल्टा था दिखता ही था आपको माल्टा तो यहाँ लेकिन हो? यहाँ पर चारा वगैरह मिलना मुश्किल है आपको चारा तो नहीं मिलेगा आपको आप लगा सकते हैं ऐसा नींबू वर्गीय जो फल है ना नारंगी वगैरह बहुत अच्छा से आता है यहाँ पर लाइम लेमन भी अच्छे से आता है और तो माल्टा, माल्टा के ऊपर में हम लोग ने कोई रिसर्च नहीं किया है लेकिन मोस्ट ऑफ सिट्रस ये तो सिट्रस फैमिली का है तो ये इसका भी प्रोडक्शन लेकिन अभी इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा नहीं हो क्योंकि देखिए आप जब करेंगे तो कुछ जरूर उसको कुछ कमाने के ज़रिए में करेंगे आप जलू, 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 तो कमाने के ज़रिए में करने के लिए हम आपको अभी नहीं बोल सकेंगे उसके बारे में लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट के बारे में श्योर आप कल आइए हमारे संस्थान में या तो सोमवार को आइए आप आइए हमसे मिलिए हम आपको वैज्ञानिक से मिला देंगे

डिसीजन लिया है इसको टोटली एक तरह से मान लीजिए ऑर्गेनिक वे में हो रहा है जी हर चीज को हालांकि प्रोडक्शन थोड़ा कम है लेकिन जो भी फसल है ना एक तरह से देखेंगे तो उसमें ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल इस बहुत कम होता है इसमें जी। और बहुत ही हेल्थ हेल्थ के लिए वाइज बहुत अच्छा है वो जी। तो आप उसको कुछ नहीं आप अगर प्रोडक्शन अगर होता भी है तो फिर हम बता बताना आपको यहाँ पर प्रोडक्शन जो है ना पीस मिल में होता है अच्छा अभी आम है आम आप देखेंगे कि बहुत आम होता है यहाँ पर लेकिन आप जब ठीक से देखेंगे तो बहुत किस्म किस्म का छोटा आम आम बड़ा हर तरह का है कोई एक साइज अच्छा, का नहीं है जी, जी, तो नेचुरली उसको एक ग्रेडिंग करना पड़ेगा आपको ओके। एक ग्रेडिंग करके एक यूनिफॉर्म साइज का रखना पड़ेगा आपको छोटा बड़ा उससे बड़ा जो भी है तब जाके आपको सही रेट मिलेगा उसको और सही उसका वो और कोई भी एक आदमी करता होगा ना तो दूसरा आदमी पोल करके उसको ज्यादा स्टॉक करना पड़ेगा उसको हम्म हम्म तब जाके उसका कमाई जो है ना

इतना है देना है तो जो लोग जिसको पसंद होगा वो अपने हिसाब से उठा के ले जाएगा तो यहाँ पर ग्रेडिंग नहीं होता है कोई चीज़ का भी जब आप बेचते हो ना तो ग्रेड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंप, पड़ता है इसमें ग्रेडिंग नहीं, का नहीं, नहीं, जी, और बेचने का तरीका बिल्कुल बेचने का तरीका भी जो है ना ये इमेज बिल्डिंग बहुत जरूरी है अब आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर भी अभी माइंडसेट हुआ है जी। बहुत सारे लेडीज बाहर आ रहे हैं मार्केटिंग में जी बिल्कुल अगर आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस के पास में जो नारियल जो सुपार, जो डाब बेचता है जी जी। वो लेडीज बेचते हैं और बहुत अच्छा और उसी तरह में, उनका प्रेजेंटेशन देखिए आप और उनके बाद में जेंट्स लोग का देखिए आप कैसा है जी तो थोड़ा हाइजीनिक भी बहुत जरूरी है ना कितने अच्छे से हाइजीनिक वे में तो उसमें आप अगर दाम बढ़ा के भी लेंगे तो लोग बड़ा खुशी खुशी दाम दे आप वो चीज खरीदेंगे क्योंकि सभी को साफ पसंद है और आजकल जो चल रहा है साफ पसंद साफ है प्रेजेंटेशन तो पसंद, पसंद है पसंद है और उससे क्या है ना आपका आमदनी भी बढ़ता है और साथ साथ में मैंने कहा ना आपका आपका सोशल एवलपमेंट होता है लोग आपको पहचानते हैं आपको ढूंढ के आपके दुकान में जाते हैं आपसे मिलने आते हैं और वो अब और वो श्योर होकर ले जाते हैं तो ग्रेडिंग बहुत जरूरी है और मैं कहता हूँ कि डर नहीं है यहाँ पर मार्केटिंग का खाली मार्केटिंग छोटा सा भी हो से भी कुछ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े अच्छे से मार्केटिंग करते हैं और सब मार्केट नहीं कर सकते जो आदमी जो खेती में काम करता है जी। वो मार्केट नहीं कर सकता है खेती काम करने वाले खेती काम करने दीजिए मार्केटिंग के लिए आप किसी को आइडेंटिफाई करिए जो आदमी बड़ा प्यार से पोलाइटली प्रेजेंटेशन से अच्छे से कर सकता है ऐसा नहीं कि कोई भी तरीका से बैठ के आप बेच दे आपका तरीका बेचने का तरीका भी एक ऐसा होना चाहिए कि आदमी आप ही के दुकान पर आए सही जानकारी होना बहुत जरूरी आप प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना उसका तो ये सब चीज है आप में ऐसा नहीं है कि आपके पास में जैसा अभी इन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताया आपने फार्मिंग सिस्टम में बताया कि यहाँ के स्पाइस जो है ना जी। जो स्पाइस जो लॉन्ग है लॉन्ग बहुत अच्छी से होती है यहाँ पर यहाँ की गोल मिर्ची जो है आपका ब्लैक पेपर जो होते हैं वो बड़ा अच्छे से क्रॉप बहुत अच्छा है और देखा जाए तो मार्केट रेट बल्कि मेलन से बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर जो इसका तेल है ना वो निकालते नहीं है तो ये बहुत ही पंजन होता है और बहुत ज्यादा ही Uh, क्या बोलेंगे इसमें uh, जो आपका झालपन ना जी. बहुत अच्छा होता है इसमें तो इसमें क्या है कि इसीलिए अगर आपको कहते हैं कि आप यहाँ की गोल मिर्ची है यहाँ का लौंग है यहाँ का आपका दालचीनी है यहाँ का आपका तेजपत्ता है जी. और ये सब चीज़ का काफ़ी डिमांड यहाँ पर है और काफ़ी लोग इसको लेते हैं। लेकिन क्या है कि इसको कैसा हम मार्केट तक लेके आए हुँ. और हमारा किसान का प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता है तो इनको मिलना है सबसे बिल्कुल दस लोग मिल करते होंगे दस लोग मिल के एक गुड बनाना, बनाना है और वो तेजपत फार्म से अपना नाम से एक उसको ब्रांड करना है उसको जी जी बिल्कुल मान लीजिए आप यहाँ पर ए, हर एक एरिया का नाम है किसी का नाम होप टाउन है किसी का नाम है ओके तो ये क्या है कि आपका एरिया का भी नाम होता है और वो जगह से वो क्रॉप का ना या तो वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट निकलता है वो जगह उस जगह उससे वो फेमस होता है बिल्कुल अभी आप बोलेंगे केला बोलेंगे या तो फिर सब्जी जी बोलेंगे तो बोलते है लो नील से आता है जी जी पपाया बोलेंगे पपीता बोलेंगे तो ये से आता है अब मक्का पहाड़ का नाम मक्का पहाड़ रह गया तो वहां से तो मक्का तो नहीं, है तो नहीं है वहां सब्जी आता है वहां से। जी जी, बिल्कुल। तो इस तरह करके बहुत कुछ है जो वहां से कर रही है मैं कुमकुम बोल रही हूँ जंगली घाट से हाँ जी कुमकुम जी क्या सवाल है आपका Uh, मैम मेरा सवाल ये है कि हमारे अंडमान का जो मौसम है एक जैसा नहीं होता है जी? तो यहाँ के मौसम के हिसाब से कौन सी खेती करनी चाहिए जिससे किसानों को बहुत लाभ हो जी ओके जी, uh, जी नमस्कार <laughs> नमस्कार uh, अभी आप जो बड़ा अच्छा सवाल कर रही है आप uh, मौसम तो uh, एक एक तरह का होता नहीं है <laughs> अभी आपको ना मैं कहूँगा कि आपको देखिए पहला यहाँ पर सिर्फ आठ नंबर गाड़ते थे जी 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 शायद आपको पता होगा सी है आठ नंबर बोलते थे कॉमन कॉमनली को हुँ, हुँ. उसके बाद से जाया मसूरी डिपार्टमेंट ने बहुत से वरायटी लेके आया संस्थान ने भी हमारे संस्थान ने भी काफी रिसर्च करके काफी वरायटी को पॉपुलराइज किए हैं तो ये सब वरायटी हाईडिंग वरायटी ज्यादा रेट देता है ये और उसके बाद से आप देखेंगे तो अगर डिगलीपुर तक जाएंगे जो करेन लोग है और ब्लैक बर्मा है आ, वाइट बर्मा है मुस्लिम है ये सब धान करते हैं स्टिकी राइस वो लोग करते हैं और वहां पर रेट सौ रुपए किलो या डेढ़ तो आप करना नहीं है अब देखिए जैसा अभी धान ही का बताता हूँ आपको धान को प्राइस भी मिलने के लिए आपको ना उसको ठीक से उसको मिलिंग करना है जी जी अगर वो मिलिंग ठीक से नहीं करेगा तो उसको प्राइस नहीं मिलेगा हम्म हम्म मैं बोला ना ये पूरा चेन है तो वो उसको धान भी अगर कर, वो करता है तो उच्च अच्छा ज़्यादा कर सकता है और गवर्नमेंट कभी भी उसका सपोर्ट प्राइस दे सकता है उसके बारे में जी और आप जैसे ये देखिए बारिश का मौसम में आप सिर्फ धान लो लाइन एरिया में धान छोड़ के कुछ नहीं कर सकती आप या तो मैंने कहा ना जैसे कि मेढ़ी बनाकर आप उस पर सब्जी वगैरह पालक जहाँ अच्छे से होता है पालक में अच्छी आमदनी आती है आपका मूली है मरसा है मतलब शॉर्ट टर्म और फास्ट इनकम इवन फ्रेंच बीन होता है आपका है यह आपका धनिया पत्ती देखिए आपका जो बर्बा धनिया है छह सौ रुपए किलो बिकता है ये और बहुत डिमांड है ये और ये ये परिशल भी का मतलब जल्दी खराब नहीं होता है ये जी, जी। जो असली कोरिएंडर है धनिया है वो मकामों में जा, जल्दी खराब भी नहीं होता है अच्छा। और बहुत ज्यादा ही बिक्री होता है ये तो ये सब क्रॉप भी आप ले सकते हैं छोटे मोटे क्रॉप करके कर सकते हैं और किसान के लिए तो मैं बोल ना आसमान भी कभी पड़ेगा सिर्फ वो क्या है कि जो भी फसल ले वो उसको साइंटिफिक तरीके से हर एक देख हर फसल को लेके यहाँ पर ना गाड़े ये हमारे आबोहवा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप का बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर बगानी फसल के लिए नारियल है सुपारी है स्पाइसेस है फ्लावर्स है फूल है तो ये सब चीज के लिए काफी क्योंकि यहाँ का आबोहवा उसी के लिए बना हुआ है बिल्कुल ये ब्लेस्ड है तो उसको आप अगर अगर वो ऑर्गेनिक वे में कर ले कार्बी तरीके में करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बिल्कुल वैल्यू पड़ जाती है फिर उसको आप अपने कुछ नहीं आइलैंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं शुरुआत में उसके बाद बाद में आप आगे के बारे में, में। कुमकुम तो <laughs> तो -कुम एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं हेलो हेलो जी हेलो नमस्ते कौन बोल रहे हैं हम रहे है, जी क्या पूछना चाहते हैं आप जी मैम अदरक कर रहा है अदरक डाल है अदरक बोलने से सर जाता है बोलने से ठीक है जमीन का अंदर था वो सर जाता है हर पेड़ मर जाता है वो ठीक नहीं हो रहा है अच्छा ओके okay. हल जी आपका कहां पर गाड़ रहे हैं ये चीज को अदरक को इसमें तालेन में जी डिजिबुर इसमें तालेन में स्मित आइलैंड में जी? कर रहे हैं आप तो अदरक वो सड़ जाता है आप देखिए ना ऐसा होता है ना आप लोग पता नहीं कौन सा वैरायटी को आप लोग लेके आम रोड बोल के बीमारी लगता है उसमें राइजोम में ना बीमारी लगता है उसमें और वो उस सड़ जाता है लेकिन जितना आप उसको आप गाड़, आप लोग तो ठीक लो तो से गाड़े होंगे हुँ। लेकिन देखिए कि ड्रेनेज जो है ना पानी रुकना नहीं चाहिए देखिए अब जरा नहीं पानी तो नहीं रुकता है पानी तो ऐसी और आप वैरायटी आप कहा से लेके आये क्या है ना कुछ जी हाँ यही है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बाजार जाते हैं बाजार में जो चीज अच्छा दिखता है उसको लाते हैं और उसका बीजा गाड़ देते हैं है है. नहीं नहीं। नहीं। क्योंकि उसमें कर... बहुत बहुत व्यवहार किया है जी लेकिन काम नहीं बन रहे तो आप एक काम करिए ना थोड़ा सा हमारा भी इंस्टीट्यूट में अदरक की कुछ वैरायटी को हम लोग मतलब जोरट वैरायटी अदरक की ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आ, किसानों के पास में और इसमें इसका फाइबर तो कंटेंट नहीं, नहीं हम लोग भी क्या है ना कैरी में भी थोड़ा सा दे सकते आपको। आपको हैं तो तो है तो मन, मन <laughs> <laughs> बात आपका समझते हैं उसको ना राइजोम को ना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको दवा से आपको ट्रीटमेंट ना उसको उसका राइजोम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तब जाके ये सब बीमारी जो है ना आप शायद उस टाइम उसको ट्रीटमेंट करके नहीं करते हैं आप इसको आप लेके आके से सीधा गाड़ देते होंगे ऐसी तो है ना वो सब तो हम लोग को मालूम नहीं होता ना कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है हाँ तो वो आपको कर, उसको राइजोम को ना राइजोम को ट्रीट करने से क्या है उसमें वो ऐसा वो ऐसा बीमारी लगेगी नहीं तो आप एक काम तो अगर आप पोबुलर आएंगे या तो फिर कैरी में आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए मैं आपको वैज्ञानिक से मिला दूंगा और आप क्या चीज डालेंगे क्योंकि आजकल सभी जगह ऑर्गेनिक वे में करते हैं तो दवा वगैरह के बारे में हम आपको नहीं बोल पाएंगे तो आप जैसे कि कोई भी हमारा है उसको आप यूज कर सकते हो तो उसे ट्रीटमेंट कर सकते तो डायरेक्टर ऑफिस में तो है ना। कौन सर प्रधान सर प्रधान, 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 प्रधान अच्छा जो केवी के में प्रधान जो है नहीं प्रशांत सर प्रशांत और आप लोग डायरेक्टर ऑफिस में बैठे प्रशांत ओके हाँ बताइए हाँ मिलते हम आपसे मिल ठीक है आप प्रशांत को बता दीजिए मुझे बताएगा हमारे साथ मिलकर अब नहीं तो उनको बता दीजिएगा हमसे बात करने के लिए हम उनका थ्रू से आपको जो इसका चाहिए ना हम बता देंगे आपको ठीक है थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी डॉक्टर जमीर आपने आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि ग्रुप होना बहुत जरूरी है जिससे हम लोगों तक हर बात को पहुँचा सके लोगों में जागरूकता लाने के लिए आपका आप है इससे आप ये पूछ रहे जी इससे पहले मैं बताता हूँ जी, जी। एक और एक नया मतलब ये बोल रहे की टूरिज्म तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है अंडमान टूरिज्म जाना है तो ये हम हमारे संस्थान का प्रयास है हमारे निदर्शक महोदय का भी विषय है कि इसको एग्रो इको टूरिज्म जी जी कतरा डेवलप करेंगे आप ना हमारे इस जगह को या कुछ भी जगह को क्योंकि एग्रीकल्चर से जोड़ के टूरिज्म जुड़ने से वो बहुत एजुकेटिव हो जाता है उसमें काफी नॉलेज और क्या है ना आपका हवा अगर एक तरह से अगर कुछ आप बिल्डिंग के लिए किसी चीज के लिए कुछ बनाते भी है इको फ्रेंडली तरह से जी। तो कुछ आप उसमें गाड़ भी रहे हैं तो इसमें क्या है ना बहुत लोग को पता नहीं कि सुपाड़ी में सुपारी का फल कहाँ लगता है हम्म हम्म जी सुपाड़ी so, और आपका जो जयवित्री है ना जयफल एक पेड़ से होता है कि दो पेड़ से होता है वो भी पता भी उनको जयफल के बारे में तो इस तरह का जानकारी तो हम वो कहते हैं कि एग्रो इको टूरिज्म अगर कोई जो न, यूथ है या तो फार्मर है प्रोग्रेसिव फार्मर है या कोई स्टेक होल्डर है नहीं। इसको लेके इस आय को लेकर अगर वो आगे बढ़े और विलेज टूरिज्म जैसे जैसा हम रहते हैं उसको प्रमोट करें ये पूरा जितने भी फल पौधों के साथ में रख के इंडिजिनस प्लांट को लेके बहुत कुछ को लेके तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है बहुत क्योंकि हमारा संस्थान इसके ऊपर में काम कर रहा है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर में टॉप प्रायोरिटी क्योंकि हमारा आइलैंड भी आइडिया में टूरिज्म एक सेक्टर है और हॉर्टिकल्चर ये दोनों को आइडेंटिफाई किया है प्रोमेसिंग सेक्टर के लिए तो टूरिज्म को अगर एग्रीकल्चर से जोड़ के एग्रो इको टूरिज्म जो बिना डिस्टर्ब किए बिना उसको चले तो सबसे अच्छा इसका तरह कोई आया नहीं है जी जी बिल्कुल तो तो जागरूक किया जा सके देखिए हमारा संस्थान तो करती है खेत है, है, दिवस करते हैं साथ में आपके जो अभी बैठा हूं, आपके साथ में दूरदर्शन हुआ या तो हमारा आकाशवाणी अभी हम आ, कल से एडमिशन के थ्रू से हम लोग ने एक किसान फार्मर्स कॉर्नर शुरू किया है जिसमें देखिए हाँ ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से जी ये जिसमें जिसमें जा, जानकारी टेक्नोलॉजी के ऊपर में दिया जाता है तो मैं भी दरखास्त करूंगा किसानों से कि और जो भी स्टेक होल्डर्स है फार्मर्स है यूथ है उसको पढ़े उसके बारे में जानकारी ले और संपर्क करे क्योंकि उसमें सब कुछ दिया रहता जी जी है तो मतलब आप पूरा हाँ, आपका जो विभाग है और और साथ में हम डिपार्टमेंट से मिलकर अकेला नहीं होता है सर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फिशरीज है और जितना भी डेवलप डिपार्टमेंट्स है बैंक है नबार्ड है उनके साथ से मिल और हमारा केवी के सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कृषि विज्ञान केंद्र जो सारे डिस्ट्रिक्ट में है और एनजीओस है और ट्राइबल वेलफेयर जो काउंसिल है ये सब, सब थ्रू से ही आता है हा, हा, और जी। आएगा भी वैसे ये समय तो बहुत कम है और सवाल बहुत ज्यादा है <laughs> बिल्कुल आप आज के इस कार्यक्रम में आए अपना कीमती समय दिया और इतनी जानकारी हमें दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और हमसे सब पूछने के लिए बिल्कुल आ, तो दर्शकों आज हमने बात की कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन जो है वो अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं नई नई तकनीकों के जरिए तो बिल्कुल हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो आय है वो दोगुना हो और हम ये कामना भी करते हैं कि वे खूब उनकी तरक्की हो उन्नति हो तो दर्शकों हम आपको ये भी बता दें कि हमारा जो दूरदर्शन केंद्र है वो अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है अब आप हमारा कार्यक्रम कहीं पर भी कभी भी देख सकते हैं हमसे जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं हमारा ट्विटर हैंडल है एट डी डी के अंडर स्कोर पोर्ट ब्लेयर हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर और यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर तो दर्शकों साथ ही आज के इस कार्यक्रम से जुड़े अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा पता दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर ए आई आर रोड डिलानीपुर हेडो पोस्ट सेवन फोर फोर वन जीरो टू साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है एचओ पी के पोर्ट एट जी मेल डॉट कॉम तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही आप सब अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें घर पर रहें अब इजाजत दीजिए नमस्कार